स्वागत है आपका टीवीजे मीडिया में। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। क्या आपने कभी गणेश की तस्वीर नोट पर छपी देखी है? शायद नहीं देखी हो, लेकिन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां के नोट पर गणेश की तस्वीर विराजमान है। दुनिया का एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहां भगवान गणेश की तस्वीर उनके एक नोट पर छापी गई थी। कुछ समय पहले इस नोट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, जिन्हें लोगों ने फेक माना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये नोट बिल्कुल असली है। बता दें, इंडोनेशिया में भगवान गणेश को शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। '98 में जारी किया गया था ये नोट। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है। वहां की सरकार ने साल 1958 में गणेश जी की फोटो वाला 20,000 का नोट जारी किया। इसमें गणेश जी के साथ एक शख्स की भी तस्वीर थी, जिसका नाम की हजार देवंतरा है। ये शख्स इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी थे और 1945 में इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री भी रहे। क्यों छापी गई थी गणेश जी की तस्वीर? कहते हैं कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। वहाँ के राष्ट्र आर्थिक चिंतकों ने बहुत विचार कर 20,000 का एक नया नोट जारी किया, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर को छापा गया। लोगों का मानना है कि इसी कारण अब वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है। बहुत लोगों का मानना है कि इंडोनेशिया में भगवान गणेश को शिक्षा का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए वहाँ के नोट पर उन्हें खास जगह दी गई है। 2008 के प्रचलन से बाहर हुआ ये नोट। साल 2008 में भगवान गणेश की फोटो वाले 20,000 के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। बता दें, इंडोनेशिया की लगभग 87% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जबकि महज 3% आबादी हिंदू है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विष्णु के वाहन माने जाने वाले गरुड़ के नाम पर इंडोनेशिया की राष्ट्र विमान सेवा है और इस देश का नेशनल एम्बलम गरुड़ पंक्षी कहलाता है। हनुमान जी इंडोनेशिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मास्कोट हैं। यहाँ गणेश, कृष्णा और हनुमान के साथ साथ महाभारत रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए कई डाक टिकट जारी हो चुके हैं। इंडोनेशिया के एक कॉलेज के लोगो पर भी भगवान गणेश हैं और राजधानी जकार्ता में कृष्ण अर्जुन की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। तो वही भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को सलाह दी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नोटों पर धन की देवी लक्ष्मी जी की तस्वीर छापी जानी चाहिए। फिलहाल हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।